Rahman Rahim, ladies and gentlemen. Today we are going to start with the lesson five, and which is very much important in a way that here we are discussing need for the achievement theory of McLaden. So far, we have discussed so many theories in detail, but portion-wise and part-wise, we will discuss in the later stages. What we will going to dig out and find out the basic reason for learning the McLaren theory and who drives and what are the main drivers for the entrepreneurial development or the structural development or the profit motives or the belief motives or to uh, develop the organizational or the state structure by the entrepreneurial development so today we will learn about the main drivers of an entrepreneur in the light of mclaren theory and secondly we will discuss uh, how is the theory of achievement and its driver are still affecting entrepreneur today so in this mod module uh, 65th the achievement in the history of background here the rise and the fall of the nation throughout the history can be Attributed to the various factors. One. And then how the Industrial Revolution uh, is the furthest we think we're talking about the achievement on the social level. We have a lot of discussions. Try to find out and try to dig out the history in a better way that how we connect 1820 and the Industrial Revolution. Innovation ka not to लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी उसके अंदर एक ऐसी चीज़ें पैदा होना शुरू होती हैं जहाँ पे पहली दफ़ा व्हील और फिर उसके बाद कार का आइडिया आता है फिर उसके बाद जो है वो गंदम और आपकी सारी चीज़ें जो वेस्ट हो जाती हैं जिसको पैरिशेबल आइटम कहते हैं उनको यानी आ, कोई शक्ल दी जानी शुरू हो जाती है बेकरी आइटम्स बनना शुरू हो जाते हैं फ्रूट्स को जो है वो प्रिज़र्व करना शुरू किया जाता है फिर उनका एक्सट्रैक्ट लेना शुरू किया जाता है फैक्ट्री होना शुरू हो जाती है जिसको आप मुंजी कहते हैं फिर उनको चावल की शक्ल देकर फिर उनको प्रिजर्व करने का एक शकल आती है आपके पास सो बेहतरीन तरीके से मुख्तलिफ चीज़ों का एक आइडिया शुरू होता है व्हील से लेकर बाकी चीज़ों तक और फिर इन्हीं दिनों में डेवलपमेंट शुरू होती है यूरोप जो कि डार्क एज में होता है वो कम्प्लीटली इससे यानी एक ज़माने में आप ये देख लें कि जिस तरह का आज आप वक्त देखेंगे कि डार्क एज कैसे होती है जिसमें कोई इनोवेशन नहीं होती बिज़नेस के आइडिया के नाम फ्रेडरिक टेलर को देखते हैं तो उन्होंने पहली दफ़ा जब ये आइडिया लाया है और उन्होंने देखा कि कंप्यूटिंग मैनेजमेंट क्या होती है यानी उन्होंने यहाँ तक ये काम किया कि जो लेबर थी उसको कम करके ऑटोमेशन के ऊपर सिस्टम्स को ले आए यानी जॉब्स जो थी चाहे वो बारह जॉब्स थी या अठारह जॉब थीं यानी एक पूरी फैक्ट्री के सिस्टम को जो है वो कंप्यूटराइज और डिजिटाइज़ करने की भी कोशिश करती सो ये वो ज़माना था जहाँ पर ये बातें चलती रही सो so, अब राइज एंड फॉल के ऊपर मैं बहुत पुराने अरसों में नहीं जाता लेकिन हर दौर में एक से एक तब्दीलियाँ वाक्य होती रहीं और तारीख़ी तौर पर आप ये नहीं कह सकते कि अठारह सौ बीस के अंदर तरक्की देखेंगे या इक्कीसवीं सदी में देखेंगे या अगली इससे आने वाली सदी में क्या इससे ज़्यादा रिबोटिक इंजीनियरिंग होगी या ए आई टेक्नोजी इससे ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि कुरानिक रेफरेंसेज देते वक्त मैंने ये भी कहा कि साल इस्लाम की कौम भी थी एक ऐसी कौम भी थी जिसने पहाड़ों के ऊपर जो है वो बहुत सारे आ, मकान बनाए मैदानों में रहा करते थे आर्किटेक्चर अपनी बुलंदियों पर भी गया टेक्निकलिटीज़ भी अपनी बुलंदियों पर गई सोशल एटीट्यूड भी चेंज होते रहे और तारीखों के तारीख के अंदर अगर हम चले जाएँ तो अगर कोई दस हज़ार साल पुराना तक जाना चाहें और फिर उसके बाद पाँच हज़ार जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है और फिर उसके बाद तीन हज़ार जो ग्रीक है और फिर आपकी दो सौ दो हज़ार साल यानी रोमन एम्पायर सो आपकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आपकी गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर असम्बली का मुक, कायम मुकाम होना फिर कानून होना लेजिस्लेचर होना ये सारी डेवलपमेंट्स होती जा रही हैं अब जिस इस बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करें कि एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट वहाँ से शुरू होती है कि आप ये समझ लें कि पॉलिटिक्स के साथ उन्होंने एक नई डेवलपमेंट देखी वो डेवलपमेंट ये थी कि पहले ज़माना था हज़र यूसफ आलाम का आपने किस्सा सुना होगा और वो मूवी भी आपने देखी होगी जो आम तौर पर सीजन की शक्ल में बनाई गई है कसस और लम्बिया से बेसिकली वो एक्सट्रैक्ट हुई उसमें आपने देखा कि सात भरी हुई गाय और सात सूखी गाय का ख़्वाब देखते हैं फिर हजरत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जो मैनेजेरियल इक्विपमेंट था उसको आप देखते हैं फिर जो है उन्होंने कहा कहत साली के दौर को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा एक इंट्यूशन है यानी एक आपको डिवाइन इंट्यूशन कैसे आनी है फिर उस डिवाइन इंट्यूशन को आपने मैनेजेरियल स्ट्रक्चर में कैसे लेकर आना है वो देखा फिर कैलकुलेशंस देखी और फिर कैलकुलेशंस के अंदर कि किस आदमी ने कहत के ज़माने में माल जमा करवाया गला जमा करवाया अब उसको जो है वो बुरे वक्त के अंदर उसको रिटर्न कैसे किया जाएगा फिर जो बड़े फोर्सेस का और बड़े स्पिल का एक आइडिया आया और उसके अंदर गले को जमा किया गया ये पहली दफ़ा सप्लाई चेन के अंदर इतनी बड़ी डेवलपमेंट थी अभी उसके अंदर वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट हजर यूसुफ अलैहिस्सलाम से आता है अच्छा अब ये डेवलपमेंट जैसे चार हजार साल पुरानी बता रहा हूँ अब याद रखिए और स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट बात है कि हर सिविलाइजेशन के अंदर आपको एक नबी भी मिलेंगे और हर नबूत के साथ आपको एक सिविलाइजेशन स्टेट वर्सेस पॉलिटिक्स लेकिन अब एंटरप्रेन्योर कहाँ पर आते हैं जब पॉलिटिक्स और स्टेट्स आई तो उसने देखा कि आवाम को काम पर लगाना पड़ेगा नहीं तो ये माबद और उसके अंदर जो है वो कहीं ना कहीं से जो भी गला वल्ला आ रहा है उसको बस ये जमा करेंगे और खाएंगे फिर टेक्निकलिटी के साथ वहां से एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट भी बहुत सारी होती है फिर अट्ठारह हम क्योंकि वेस्टर्न वेस्टर्न आइडिया के ऊपर बात करते हैं तो हम अट्ठारह सौ बीस से कभी आगे जाते ही नहीं यानी पीछे नहीं जाते आगे बढ़ते हैं अब अठारह सौ बीस में आगे आ जाइए सो आगे बनता है कि इंडिविजुअल और सोसाइटी वो किस तरह से परफॉर्म करती है अंडर द स्टेट ये तो आइडिया आपको समझ में आता रहा कि हमेशा से मजहब जो है वो पैरेलल टू स्टेट रहा इसको मंक मीडिया भी का मंक मनार भी कहते हैं सो जो मंक रहा उसने अपनी एक इजारा कायम की मजहब की बुनियाद पर जिसके डिविनिटी का कोई ताल्लुक नहीं था इन दोनों के मामला जब गलत हो जाते थे तो फिर हर अलग जगह के ऊपर नबी मबूस हुआ करते थे लेकिन उन्होंने भी एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट ही की बात की यानी अलकासिब हबीबुल्लाह यानी आप अपने हाथ से बनाए हजरत सलमान अलैहिस्सलाम बहुत बड़े बादशाह थे आ, कायनातों की कायनाते मुसखर थी जन्नात मुसखर थे चरंद परिंद मुसखर थे लेकिन वो अपने हाथ से खुद ज़रा बनाया करते थे और खुद उसको बेचा करते थे आप हैरान होंगे कि इतना बड़ा बादशाह हों और और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत भी अता की और बादशाहत भी अदा किए इधर तख्त सबा इधर से उठ रहा हो और इधर जो है वो हुक्म हुकूमत और मिल्क मलकियत जो है वो सारी की सारी उनके हाथ में हो लेकिन जो वो खाने के लिए चीज़ जो अपने उठने जीने के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं वो खुद अपने हाथ से एक जरा तरतीब देते हैं बनाते हैं और उसको बेचते हैं और उससे जो रिटर्न आता है उसको खाते हैं सो अब यहाँ देखें कि ये एक जो मुसलसल एक मोटिव आया है यानी अब बिब्लिकल भी कुरानिक भी डिवाइन भी और हर जगह से भी आप देखें तो आपको काम करने की एक जो दी गई वो है तरजीह यानी आंटरप्रनोरियल डेवलपमेंट अब इसके अंदर आप देखते हैं कि सोसाइटी से आगे कल्चर डिफ्यूजन कैसे आती इज द अर्लीस्ट थे अचीवमेंट अब अचीवमेंट क्या है जी क्या बादशाहत हासिल करना स्ट्रक्चर हासिल करना या किसी किस्म की चीज को यानी किसी ड्यूटी को परफॉर्म करना ये आंटरप्रनोरियल डेवलपमेंट की अचीवमेंट है नहीं जी इससे हट कर आप जो है वो चीज़ों को आगे बढ़ाना सनदों को आगे बढ़ाना काम को आगे बढ़ाना और मुख्तलिफ चीज़ों को आगे लेकर जाना इसको अचीवमेंट कहा जाता है अब हम देखते हैं कि मैकलेडन साहब जो हैं वो इसके ऊपर बड़ी आ, आ, इस आइडिया के ऊपर कन्वेंस थे कि इसको इट इस शुड बी द पार्ट ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर यानी आंटरप्रोरल डेवलपमेंट नहीं होगी तो सोसाइटी के अंदर जो है वो आ, काम करने की सलाहियत और उसका आउटकम या रिजल्ट इन टर्म ऑफ मोटिव और प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा तो सोसाइटी मकसद नहीं रहेगी सो दिस इज हाउ वी एक्सट्रैक्ट द मैकलेडन थ्योरी थेरी सो फार की हिस्टोरिक बैकग्राउंड है इससे आगे हम बढ़ेंगे तो उसके टेक्निकल पार्ट की तरफ नेक्स्ट मॉड्यूल में थैंक यू वेरी मच